मितु। अरे भाई कितनी बार कहा है कि हिंदी का पेपर मंगाया करो, इंग्लिश अखबार मंगाती हो, मैं खाली फोटो देख पाता हूँ, पढ़ नहीं पाता। सासू माँ नाश्ता लाओ जल्दी से। नाश्ता लाओ जल्दी से। ये गणेश जी की फोटो है, ये किसकी फोटो है? ये लो। ये क्या है? दिख नहीं रहा, ब्रेड है ये? खाली ब्रेड, ना कुछ आगे ना पीछे। ब्रेड ब्रेड होती है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। मीरा, मीरा। ओफो मोहन, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मीरा मुझे बताओ, इस घर में मेरी हैसियत क्या है? तुम इस घर के मालिक हो बाबा। लगता मैं नौकर हूँ। ये देखो, तुम्हारी माँ मुझे चाय के साथ सूखी ब्रेड दे रही है खाने के लिए, सूखी ब्रेड। क्या हो गया माँ, तुम सूखी ब्रेड क्यों खिला रहे हो मोहन को? सूखी कहाँ बेटी, ये देख, ऐसे चाय में डुबाने से ना गीली हो जाती है, देखे। सुन लो इसकी बातें, सुन लो। मतलब ये अगर वर्मा होता ना वर्मा, तो इसके आगे मक्खन लगा होता, पीछे जाम लगा होता इसके। माँ प्लीज मोहन के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अब तो ठीक है। मेरा ये रोज रोज का मतलब, हर रोज में तुमको बुलाऊ? हर रोज नहीं जाऊंगा। क्या हो क्या रहा यहाँ? ये आदमी क्या कर रहा सुबह सुबह? आप धक्का क्यों मार रहे हैं इनको अंदर जाने के लिए? पंडित जी बुला रहे हैं इसीलिए। मेरी एक बात समझ नहीं आती मीरा जी, कि आप ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खैरों को अपने घर में घुसने देते क्यों हैं? माफ करना सर, ऐरे गहरे वो होते हैं जो सुबह सवेरे जाके किसी और के घर में डेरा डाल लेते हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? जिसकी तरफ इशारा वो समझ गया सर, वो खींच रहा है मुझे। तो से कि मतलब मैं ऐसा करता हूँ सर? मैंने डायरेक्टली नहीं बोला सर। गलत सही यहाँ से? नहीं नहीं सर। क्या करेंगे आप? हाँ जब तक आपकी जबान चलेगी मेरा हाथ चलेगा। मन गलाउट जी को मार के अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया सर? ऑल राइट मीरा जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इट्स ऑल राइट। चल रही है? नहीं, आई मीन आई नीड टू गेट रेडी। ऑल राइट, ओके, आई डोंट माइंड वेटिंग। पता है इतनी अच्छी तेल थी, मैं तो ऑफिस के बाद चलूंगी। तुम चलोगी? हीरू ये देख, सद्दू ऑफिस में सो रहा है। बेचारा रात पाली कर रहा होगा ना, गरीब है ना। हाँ बेचारा रात पाली करता है लेडीज बार में। ये लेडीज बार में जाता है? हाँ मैंने कई बार इसे आते जाते देखा है। तुम वहाँ क्या करते हो? भजन सुनने जाता है, भजन। नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए वहाँ। सर ले लीजिए। अरे बोला कितनी बार बोला नहीं चाहिए, क्यों क्यों मेरे पे? प्लीज हाथ हाथ जोड़ता हूँ। वो कुछ दे रहा है, ले लो ना। मालूम है क्या दे रहा है? क्या? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो बात लीजिए ना। मैं नहीं यूज करता हूँ बाबा। भैया चलो बाहर, चलो चलो चलो। मैडम आप ले लीजिए ना। चल चल यार, तो हमारे पीछे। अरे कोई तो ले लीजिए भाई साहब। नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। मैं नहीं यूज करता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। सर हमारे लवली कोऑपरेटिव बैंक का क्रेडिट कार्ड बड़ा कमाल का है, आपको 5 लाख के क्रेडिट देगा। तो फोकट में देगा क्या? उसे डबल इंटरेस्ट देगा वो, उसका क्या? नहीं चाहिए, चाहिए यहाँ से। ले लीजिए ना। नहीं चाहिए ना। हाँ जी, ये कौन आदमी है, इतना हिल के क्या बेच रहा है? ये लेंगे। ले लीजिए। एक सेकंड, क्या क्या लेंगे? क्या सर, हेल्प टॉक टू यू। क्या क्या बच रहा है? लीजिए ना। क्या व्हाट? नहीं पहले आप हाँ बोलिए कि आप लेंगे। लेकिन मैं हाँ क्यों बोलूं? लेकिन अरे हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ मैं। जो क्रेडिट कार्ड बेचता है मैं उसको ही मारता हूँ, जो इशारा करता है उसको ही मारता हूँ, समझा? हेलो, यस Yeah, sir, I don't want, but there is a man over here who will be interested. Sir, aapke liye bahut zaruri phone hai, sir. Hello? I don't want any credit card, for God's sakes! Aapko malum tha na ye phone credit card ke liye aaya hai? Par aap use karte hain, sir. Aapne kyon diya mujhe? Maine mana kiya tha. Maine mana kiya. Mari masara. लेकिन आप वो पीट रहे थे, आप पीट रहे थे तो मैं क्या करूं? अगर मैं उनको पीटूंगा तो मुझे नौकरी से नहीं। मोहन जी आप शांत रहिए पहले। आपको मालूम है जुल्म करने से बड़ा पापी होता है जुल्म सहने वाला। I know, लेकिन मैं क्या करूं? बोल नहीं रहे। आप एक काम करिए, आज वो दिल्ली ब्रांच से हमारे चेयरमैन साहब आने वाले हैं ना, उनको बताइए कि वर्मा साहब कैसे पीटते हैं आपको, वो जरूर उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अच्छा बाय द वे, यस आई गॉट अ न्यू क्रेडिट कार्ड। क्या हुआ मोहन, तुम रो क्यों रहे हो? वर्मा साहब ने यहाँ सबके सामने मेरा सर पटका मेरा हेड है। मोहन रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। दिस इज नॉट राइट, नॉट राइट, रोना बंद करो। हेलो, नहीं चाहिए तेरा क्रेडिट कार्ड, बाहर में जा तुम। लीजिए ना। वाओ लच्छू,
ये कौन है? मोनिका। क्या सर ये देखिए ना फाइलें। हाँ ठीक है ठीक है। क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में? हा? कुछ नहीं सर, सुबह 9 बजे ऑफिस आता हूँ, शाम को 9 बजे घर जाता हूँ। चल भी नहीं सकता, ये तो अच्छा कि गोल्डी है तो ले जाता है घर। हाउ बोरिंग लच्छू, तुम्हारी ऑफिस में किसी के साथ सेटिंग नहीं है? क्या बात कर रहे हो सर, ये सब बच्चों के लिए है, अब इस उम्र में मेरी सेटिंग कहाँ से होगी? अरे मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता समझे, लुक एट मी, सी हाउ आई एम एंजॉयिंग लाइफ। सर आप तो चेयरमैन है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इतना फर्क तो रहेगा ना। तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। अरे कंट्रोल कंट्रोल सर, मोहन जी मोहन जी प्लीज पिटपिटा कर आ रहे हैं डैड। क्या किसी लड़की को छेड़ा? क्या कैसी बात कर रहे हैं डैड, इतना शरीफ आदमी किसी को छेड़ सकता है क्या? वर्मा साहब ने पीटा है बेरहमी से। सर वर्मा साहब नहीं सर, जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर सर, सर बहुत बहुत पीट रहे हैं मुझे आजकल, बहुत पीट रहे। मोहन जी क्या बात कर रहे हैं आप, वर्मा साहब इतने शरीफ इंसान है, हम कैसे मान सकते हैं? अरे मानना पड़ेगा सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मैंने देखा है, दूसरों की आंख में अपना हाथ मत सेको, जाओ यहां से आउट। मोहन जी आई एम स्टिल विद यू, बी स्ट्रांग। आई नो सर, गोल्डी जी को डांटने से आप सच का गला नहीं घोंट सकते। देखिए देखिए मोहन जी एक मिनट, जब तक आप सबूत नहीं लाते हम सुनी सुनाई बात नहीं मान सकते। ठीक है सर, मैं ढेर सारे नहीं सबूत सबूत जमा करता हूँ। जाइए जाइए एंड वी विल टेक एक्शन। हेलो सर। हेलो मीरा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या बात है, इस चांद से चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? सर मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। अगर मांगना ही है मीरा जी तो जान मांगिएगा, इससे कम कुछ नहीं। सर मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। तो फिर सर आप मेरे सर पे हाथ रख के वादा कीजिए, कसम खाइए कि जो भी मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। हम तो आपको जान देने को तैयार थे, खैर आपने इतनी बड़ी कसम दे दी तो ठीक है, हम आपके सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि आप जो मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। सर मुझसे वादा कीजिए कि नो मैटर व्हाट आप मोहन जी पे कभी हाथ नहीं उठाएंगे। क्या हो गया सर? ये क्या मांग लिया मीरा जी आपने? आपने तो हमारे हाथ बांध दिए। खैर ये वादा है वर्मा है आपसे कि कुछ भी हो जाए हम मोहन जी पे हाथ नहीं उठाएंगे। कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सर, कुछ प्रॉमिस प्रॉमिस। तो चेयरमैन साहब को सबूत चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है, सबूत चाहिए, कहां से लाऊंगा सबूत मैं गोल्डी जी? यू डोंट वरी मोहन जी, मैं आपकी मदद करूंगा इसमें। रियली आप मेरी मदद करेंगे? गोल्डी जी पता नहीं क्यों रह रह के मुझे लगता है कि हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। गोल्डी जी वो रिश्ता तो है ही है ना, मैं तो कहता हूँ आपको पिछले जन्म में मेरे गुरु रहे होंगे। अरे छोड़िए छोड़िए मजाक कर रहे हैं आप, जिस सिचुएशन में फंसा हूँ उससे लगता है आप मेरे गुरु थे, मैं आपका जोकिंग। एनीवेज आप बड़े हैं इसलिए मेरा फर्ज बनता है, और दूसरी बात यह है कि मुझे वर्मा साहब से आपकी बेइज्जती का बदला लेना। रियली पर करें क्या गोली, सबूत कैसे जमा होंगे? मेरे पास एक आइडिया है। बोलिए। मेरे पास एक हैंडीकैम है, यू नो हैंडीकैम। हैंडीकैप नहीं, हाथ वाला कैमरा। हैंडी और कैमरा, अच्छा इंग्लिश हिंदी है, वेरी इंटेलिजेंट। तो जो हैंडीकैम है उसको लेकर मैं कहीं छुप जाऊंगा, ओके? और वर्मा साहब जैसे ही आपके सामने आते आप उन्हें मजबूर कर देना कि वो आपको पीटे, और जैसे ही वो आपको पीटेंगे बस मैं सब कुछ कैमरे में कैद कर लूंगा और सीधे चेयरमैन चेयरमैन के चेयरमैन साहब के सामने। वाह 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 क्या बात है गोल्डी जी, फैंटास्टिक, व्हाट अ ग्रेट आईडिया। हां मैं बोल रहा हूं कल से स्टार्ट करते हैं सर, ओके? चीयर्स। तुमसे मुझे कुछ कहना होता है तुम गायब होते हो, कहाँ हो तुम? अरे क्या बात है, परेशान लग रही है। माँ मैं मोहन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे गया होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मटर गश्ती करने, चल खाना खा लेते हैं। नहीं नहीं माँ, आज तो मोहन को मुझे वो खबर सुनानी है जिसे सुनकर वो फूले नहीं समाएगा। क्यों ऐसा क्या हुआ है? वो तो मैं मोहन को ही बताऊंगी। हाय मीरा। हेलो, कहाँ थे तुम, कब से इंतजार कर रही तुम्हारा? मैं जरा बिजी था गोल्डी जी के साथ, लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? बिकॉज़ आई हैव सम गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ है मीरा, गुड न्यूज़ है, ओ माय गॉड मीरा कब है ड्यू डेट? ड्यू डेट कब है बताओ, बॉय और गर्ल? मीरा बताओ ना प्लीज, आई एम सो हैप्पी, गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़ आ गई मीरा। ऐसी गुड न्यूज़ नहीं है मोहन। तो फिर क्या है गुड न्यूज़? मैंने वर्मा साहब को अपनी कसम दी है कि आज के बाद वो तुम पर हाथ कभी नहीं उठाएंगे। मीरा ये तुमने क्या कर दिया यार, प्लीज तुम मुझे पूछ तो लेती। मीरा एक काम करो, तुम अपनी कसम वापस ले लो। क्या
अपनी कसम वापस ले लो प्लीज। तुम वर्मा साहब से पिटना चाहते हो? हाँ, मेरा तुम, अरे तुम, बेटी जो गधे होते हैं ना उन्हें मार खाने की इतनी आदत होती है कि कोई अगर उन्हें ना पीटे ना तो पागल से हो जाते हैं। अब चुप करिए, प्लीज अपनी कसम वापस लो प्लीज प्लीज मीरा। मोहन प्लीज, मैं वर्मा साहब से तुम्हें पिटता हुआ नहीं देख सकती। जब मुझे पीटे तुम वहां से चली जाओ ना यार, तुम मत रहो वहां पर, यू गो फ्रॉम देयर प्लीज। यू आर क्रेजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मां चलो खाना खाते हैं, चलो चलो मुझे खाते हैं, चलो मीरा। अगर बदन में खुजली हो रही हूँ ना तो मैं कुछ मदद मामला सारा उल्टा हो गया। ये तो अब मैं वीपी साहब को चेयरमैन साहब को सबूत कैसे दूंगा कि वर्मा साहब मुझे पीटते हैं। गोल्डी को फोन करता हूँ। वाव, आई लाइक दिस चेक। मीरा जी, हेलो हेलो गोल्डी जी, मैं बोल रहा मोहन। मोहन जी, लेकिन ये तो मीरा जी के घर का नंबर है, और आप इस वक्त वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने दोस्त बंटी जी को मिलने आया था। ओ बंटी जी, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, उन्हें मेरा हालो बोलिएगा। जी जी गोल्डी जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब कैसी प्रॉब्लम आ गई है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी अभी बंटी जी ने बताया है कि मीरा मैडम ने वर्मा साहब को अपनी कसम दी है कि वर्मा साहब मुझे ना पीटे। अब क्या होगा गोल्डी जी? यू डोंट वरी मोहन जी, वर्मा साहब को आपको पीटने की इतनी आदत हो गई है कि जब तक वो आपको पीटे नहीं तब तक उन्हें उनका खाना हजम नहीं होता। खैर आप एक काम करिए, आप मुझे अभी इसी वक्त वर्मा साहब के घर के बाहर मिलिए। लेकिन वहां पर क्या होगा? वाह गोल्डी जी वाह, बड़ा कमाल का आइडिया निकाल के लाए हैं आप। तो आप एक काम करिए, आप रेडी होकर आइए और मैं भी अपना हैंडीकैम लेकर पहुंचता हूं ऊपर। ओके 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 ग्रेट। आ रही हूँ डार्लिंग, आ रही हूँ। हाय डार्लिंग। हेलो हेलो मैडम, हाउ आर यू? हाउ आर यू मोहन जी, क्या बात है, इतनी रात के बड़े प्लेजेंट सरप्राइज। बस मैडम, दीदार यार करने का दिल किया तो बंदा दौड़ा दौड़ा चला आया। हाउ स्वीट ऑफ यू मोहन जी, काश आप मुझसे शादी से पहले मिले होते। क्यों 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 मैडम? कम से कम आप मेरे लिए कोई अच्छा लड़का तो ढूंढते। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स मैडम। हेलो मोहन जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे सर, मैं मैडम के साथ खड़ा हूँ अकेला, वो भी आपकी एब्सेंस में, आप नाराज नहीं हो रहे? भाई कमाल है, आप हमारी कलीग हैं, हमारा उठना बैठना है, साथ में खाना पीना है, व्हाट्स अ प्रॉब्लम। और आप भी शरीफ हैं, मेरी बीवी भी शरीफ है, व्हाट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन सर मेरे चेहरे पे मत जाइए, क्योंकि मैं चेहरे से बहुत शरीफ लगता हूँ, बट फेसेस कैन बी वेरी डिसेप्टिव। My God, darling, तुम तो बहुत brave हो। I'm proud of you. Thank you so much. It's okay. खाना लगाओ, चल, चल, चल। मैं नहीं मार पाया तो क्या हुआ? मेरी बीवी ने मारा? Never mind. अया, क्या मारा कविता मैडम ने? बाप रे, बड़ी बेदर्दी से पिटा। तुम सोई नहीं मेरा? जिसका पति इतनी रात तक आवारा गर्दी करता हो उस बेचारी को नींद कहां से आएगी? आवारा गर्दी नहीं कर रहा था, मैं काम से गया था। अच्छा, इस वक्त कौन से काम से गए थे? ढूंढो कोई नया बहाना ढूंढो, मेरी बेटी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, खाना तक नहीं खाया इसने। मेरा खाना क्यों नहीं खाया? मैंने पहले भी कितनी बार कहा डार्लिंग, मेरा वेट मत किया करो, खाना खा के सो जाया करो। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम गए कहां थे? कुछ दोस्त थे, उनको जरा मिलना था। तुम्हारे दोस्त? तुम दोस्तों के साथ ही रह जाओ ना। और क्या, इससे छुटकारा तो मिल जाएगा तुम्हें। अरे आप चुप करो ना यार, आपको मीरा की नहीं किसी हीरोइन की मांग होना चाहिए था, जो उसके पीछे पीछे घूमती है तुम मिलाते हुए। नॉनसेंस बोलना बंद करो और ये बताओ कि तुम घर आए थे, वापस कहाँ चले गए? अरे भाई गोल्डी जी से काम था, मिलने गया था गोल्डी जी को। इस वक्त रात को गोल्डी से मिलने गया था? ये गोल्डी 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 बेटा, ये दोस्ती कहीं ऐसी वैसी दोस्ती तो नहीं है? पूछना मेरा खाना तो, मुझे भूख लगी है। खाने का वक्त और खाना दोनों खत्म। यार कमाल है, इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है हमारी।
डुप्लीकेट चूना लगा के हम का ही चूना लगाते हैं डूबे भैया। अरे पहले आपके आए नहीं बोलते हो डुप्लीकेट चूना लगा के चूना में आपको पिटते हुए आपने ऐसे कभी? अरे छोड़िए गोल्डी जी, मेरे कितना इडियट किया वर्मा साहब को, उनकी बीवी की कमर में हाथ तक डाल दिया फिर भी मुझे पीटते नहीं है वो। आप चिंता ना करिए, कोई ना कोई तरीका मैं निकाल ही लूंगा जिससे वो आपको पीटे, जरूर पीटे। अरे अभी कौन सा तरीका निकालेगा आप? ये पान जो है ना आपका पान थूकते आप मेरे। एक मिनट आइडिया, ये जो पान की पीक है ना यही काम आएगी। मतलब पिटने के लिए? कैसे? देखिए वर्मा सर जब आएंगे ना तो आप ये पान की पीक रेडी रखिए। ओके। जैसे ही वो आपके करीब आते हैं ये पूरी पान की पीक उनके कपड़ों पर थूक दीजिएगा, फिर देखिएगा कमाल। फिर तो पिटेंगे ही पिटेंगे। अरे वेरी गुड, वर्मा सर आ रहे हैं। आप ये पान की पीक रेडी रखिए, उधर मैं एक कैमरा रेडी रखता हूं। ऑल द बेस्ट, पान की पीक रेडी। एक और पन्ना लगा के रख। आप अंधे, रुक कर देख नहीं सकते क्या? गलती हो गई। क्या कह रहे खुराना साहब आप? देख कर तुम नहीं सकते क्या? बस अरे पैंथर सिक्योरिटी एजेंसी के आप मालिक हैं, हट्टे कट्टे आदमी हैं, किसी ने आपकी शर्ट पे पान थूक दिया, आपके चेहरे पे पान थूक दिया और आप ऐसे रेट कर रहे हैं। अरे अगर मैं आपकी जगह होता ना तो इस आदमी को मार मार के मैंने भूसा भर दिया। आप मर्द हैं या? मैं वैसा नहीं हूँ। Then prove it, prove it। ये फाइल कौन पकड़ेगा? मैं पकड़ूंगा। एक सेकंड। मोहन जी आप वर्मा साहब के खिलाफ सबूत लाने वाले थे ना? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। क्या कोशिश कर रहा हूँ? अरे चेयरमैन साहब भड़के हुए, आज आखिरी दिन है, अगर आज सबूत नहीं दिया ना तो आपकी तो नौकरी गई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सबूत ढूंढो। ओके सर। मोहन जी ज्यादा लग गई क्या? अरे छोड़िए आप तो भाग गए वहां से, ज्यादा लग गई। मैं तो इसलिए भागा था कि मौका ढूंढ लूं, और मौका हाथ लग गया। मोहन जी ऐसा मौका हाथ लगाया कि हमारा वार खाली जा ही नहीं सकता। क्या हो गया अभी? दरअसल क्या है कि वर्मा साहब मीरा जी के साथ अकेले केबिन में बैठे हैं। इसमें कौन सी नई बात है गोल्डी जी, तो रोज ही बैठते हैं। लेकिन मोहन जी पुरानी बात में हमारे लिए नई चीज है। पूछे क्या? क्या दरअसल क्या होता है, जब भी वर्मा साहब मीरा जी के साथ अकेले बैठे होते हैं और अगर उन्हें कोई आगे डिस्टर्ब कर दे तो उनका खून खौल उठता है, और जब खून खौलता है तो इंसान। ओके ओके, तो मतलब मैं वर्मा साहब के केबिन में जाके उसको इतना इरिटेट करता हूँ, इतना इरिटेट करता हूँ कि वो मुझे पीटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ओके ओके, आई जस्ट गो। हां मैं शूट करूंगा आगे। ओके, इस बार तो वर्मा साहब की गई। क्या बात है सर, आप टेंशन में हैं? व्हाट्स द मैटर? मीरा जी मोहन जी मेरे घर आए थे, उन्होंने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की। क्या? उसके बावजूद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आपकी कसम खाई थी इसलिए। सर मोहन जी को आने दीजिए सर, आई विल टीच हिम अ लेसन ऑफ। नहीं मीरा जी, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, चाहे मेरी जान ले ले, मैं उफ तक नहीं करूंगा। बाय गॉड, मारिए मुझे, मारिए मुझे, कम ऑन कम ऑन, हिट मी। मोहन जी स्टॉप इट, हिट मी। मोहन जी क्या कर रहे हैं? मोहन जी, मोहन जी क्या कर रहे हैं? मारिए मुझे, मारिए, गेट इट, स्टॉप इट, गेट आउट। माय गॉड, आई एम सॉरी सर, ये तो दिस इज बियॉन्ड ऑल लिमिट सर। सर मैंने अपनी कसम वापस ले ली सर, आप आजाद हैं। क्या कहा आपने? मैंने अपनी कसम वापस ले ली सर, आप आजाद हैं। लच्छू, दिस इज डिस्गस्टिंग, इट्स ऑल योर फॉल्ट। आई एम सॉरी सर, यू ऑट टू बी, डैम इट। अब चेयरमैन साहब आपने याद फरमाया सर, मोहन जी आप वर्मा साहब के खिलाफ सबूत लाने वाले थे। लाऊंगा ना सर, लाऊंगा। कब लाओगे? जल्दी लाऊंगा सर, और ढेर सारे सबूत लाऊंगा सर, एक नहीं कई सबूत। देखिए आप तो सबूत ला नहीं पाए हैं लेकिन वर्मा साहब ने आपके खिलाफ सबूत जरूर दिए हैं। मेरे खिलाफ सबूत सर? जी हाँ, सबूत नंबर एक, आप वर्मा साहब के घर गए और उनकी बीवी के साथ बदतमीजी की। सबूत नंबर दो, आपने पान खा के वर्मा साहब पे थूकने की कोशिश की। सर नंबर तीन, एग्जैक्टली, और कुछ ही समय पहले आपने इसी ऑफिस में वर्मा साहब के साथ हाथापाई की। ये सारे सबूत हमारे पास इस कैमरा में रिकॉर्डेड है। पर सर ये कैमरा के साथ ये सबूत आपके पास आए कैसे सर? जिस तरह मोहन जी आपने एक कैमरा लगाया था ठीक उसी तरह एक कैमरा हमने भी लगाया। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज।
आपको एक ही आदमी माफ कर सकता है, वो है वर्मा जी। वर्मा साहब, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर, मैं आपके पांव पर ऊपर उठ प्लीज ऊपर उठ नहीं तो जब तक माफ नहीं करेंगे मैं ऊपर उठिए मोहन जी, मैं ऊपर नहीं उठूंगा, ऊपर उठिए ना प्लीज, मुझे माफ कर, या चाहिए माफ।